तो भाई हम लोग जो है शालीमार गेटवे मॉल पहुंच चुके हैं। किस लिए आए हो भाई? आज हम लोग नया बेकरी के प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे जो कि हम लोगों ने बल्क में ऑर्डर कर रखे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज बेकिंग का उसका बेकिंगो का वहाँ पर जो है सिटिंग का फैसिलिटी नहीं है बैठे खाने का, तो हम लोगों ने शालीमार ऑर्डर किया। तो आइए चले देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्री। तो भाई बस जा रहे पेस्ट्रीज ट्राई करने, हम लोग पेस्ट्री डिलीवर हो गई है, बस हम लोग को जाना है, अब खाना है बस। चलो भाई, तो भाई सब लोग भूखे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हम लोग अब जा रहे हैं अंदर शालीमार गेट पे जो है फूड कोर्ट है वहाँ पे जा रहे हैं। अजय पहले पहुँच चुका है और डिलीवरी हो चुकी है हम लोग की, और चलते हैं भाई। क्या हो गया था तुम्हारे साथ? आज तुम बताओ क्या हुआ था? सेल्फ डाउट हो गया था, वो लेडीज कंपार्टमेंट खुद को चेक कराने जा रहा था। ओ भैया, फिर मैंने बताया कि तुमने सेफ घर भूल गए हो। चलो भाई एस्केलेटर से ऊपर चलना है, देख रहे भाई कितना अच्छा लग रहा है, सजा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है, ये जो है इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है, इसके लिए सारे जो है भूखे हैं, सब लोग खड़े हैं। और ये देखिए 15 अगस्त, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये देखिए आप, देखिए आप दोस्तों, चलिए ऊपर खाने। तो भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं फूड कोर्ट में, अजय को ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कहीं अकेले खा तो नहीं गया है, तो देखा जाए अजय कहाँ पे है। अजय कहाँ पे हो? देख रहे भाई पूरा भीड़ है, कॉल करो। अजय भाई मिल नहीं रहा है। कहाँ हो तुम? कहाँ है अजय? पता नहीं कहाँ गया है, कॉल करके पूछो भाई। तो भाई अजय जो है मिल गया हम लोग को, देखिए ओ भैया ये देखो लेके बैठा हुआ है। तो किसका बर्थडे है आज? इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये देख रहे भाई पूरा जो है मंगा लिया है। दोस्तों हम लोग प्यार से आपको बोलेंगे ये। भाई देखो ये खोला जा रहा है, देखा है क्या है इसमें? स्लो मोशन में खोलो, ये हमारे कपकेक्स है सर। ओ भाई पूरा ओपन करिए, ये सब जो है इधर से, ये देखिए कपकेक्स हैं। आराम से अपना मतलब जल्दी खोल लो, मुझे कह रहा आराम से खोलो। और ये देख रहे हैं यहाँ पे ये नीचे चिपकाया भी गया है ताकि जो है आपस में मिले ना, चिपकाने के लिए कुछ भी हो। भाई देख रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी खा के बताया जाएगा कैसा है और अगला ओपन किया जाए। चलिए भाई अगला ओपन करिए। चलिए भाई नेक्स्ट डिब्बा का बारी आ गया। ये देखिए क्या है इसमें, सारी पेस्ट्री एक ही में कर दी। ओ भाई ये सब जो है, ये देखिए पेस्ट्री है हमारी और सारी पेस्ट्री है। ये थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा कि मतलब इस तरीके से इन्होंने दे दिया है कि इस तरीके से एक ही साथ दे दिया है। थोड़ा सा इसका जो हमें पैकिंग जो है अच्छी नहीं लगी, सब मिक्स हो गया है। ठीक है तो भाई अगला देखा जाए। तो ये देखिए भाई, ओ भाई ये क्या, एक एक जार दिखाइए भाई, एक एक लोग दिखाइए। ये देखिए क्या है, ये जार केक है सर, हम लोग के जार केक है। ये देखिए सर चॉकलेट वाला है, चॉकलेट ये आपका रेड वेलवेट है, रेड। और हमारे पास क्या भाई, ये भी रेड वाला है, रेड वाला है, लाइट लाइट तुम्हारा रेड हो गया। ओ भाई ये इस पे हम लोग का नाम भी लिखा, क्या बात है भाई। इस पे देखिए हमारे व्लॉग का नाम लिखा है, दस सत्य व्लॉग लिखा हुआ है। ये देखिए फोटो, ये देख रहे कितना अच्छा लग रहा है भाई, दस सत्य व्लॉग है ये लिखा हुआ है इस पे। और किसी पे कुछ है क्या? ये दो पर्सनलाइज है सर, ये देखिए हमारे पर्सनलाइज मैसेज है, इसमें नाम और लोगो लिखा हुआ है। और इसको भी थोड़ा ओपन करिएगा, बिल्कुल सादा है। ये ब्लूबेरी भाई सही लग रहा है, देखने से लग रहा है कि हाँ भाई ब्लूबेरी है। ये देखिए भाई मस्त है। और ये क्या है? ये चॉकलेट है, ये भाई चॉकलेट है। लास्ट है, ओपन हो रहा है। और इसमें भी लिखा हुआ है सत्तर लोग के लिए। ये देखिए हमारा जो है बेस्ट विशेस मैसेज था। तो भैया ये बचा हुआ है लास्ट, इसमें देखा जाए क्या है। ये देखिए आराम से ओपन करिए भाई, ओ इसमें क्या है भाई, देखा जाए। और एक पाइनएप्पल पेस्ट्री है, पूरा ओपन कर दीजिए। इसकी पैकिंग थोड़ा सही नहीं है, ये देखिए पेस्ट्री की पैकिंग जो है अच्छी नहीं लगी हम लोग को, तो एक बार सब रख दीजिए जरा खोल के। तो भाई देखिए सारा मटेरियल आ चुका है हम लोग का और सब खाएंगे और उसके बाद हम आपको इसका टेस्ट बताएंगे। लेकिन कुछ भी हो जो सबसे अच्छा लग रहा है देखने में या डेकोरेशन, वो कपकेक्स लग रहे हैं। देख रहे हैं क्या कपकेक्स हैं भाई। तो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कि भाई खाया जाए, बस इशारा हो। चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट खाया जाए। तो भाई स्टार्ट करो, पहले इसको खाया जाए। चलिए खाइए भाई, ये देखो भाई ये एक अच्छे से माइंड भाई।
देखना फिर। बिल्कुल बिल्कुल खाइए भाई। चैन की खुशबू आती है क्या भाई, खो गए क्या स्वाद में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, तो दूसरा को दीजिए भाई, वो भी ट्राई करें। लो भाई अजय तलवार दीजिए। अब तलवार भाई, अपना अपना तलवार अपने पास रखे रहना। तलवार है, इधर है। चलो भाई खाओ। ये देखिए भाई खा रहे हैं, बढ़िया जैम का टेस्ट है, जैम का टेस्ट है। महाराज जो है जैम बहुत खाया होगा। अभी इधर की स्ट्रॉबेरी ना बोलते। हां तो बढ़िया टेस्ट है, हां बढ़िया टेस्ट है भाई। इधर दिया जाए पंडित जी को दिया जाए हमारे। गुलाबी 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 हैं, गुलाबी की उनको जरूरत भी थी। ओ भैया ये तो पंडित जी को देखिए। अरे यहां खाइए पंडित जी। हां आपका तो कमेंट जरूरी है पंडित जी, जो है स्वाद के लिए तब दीजिए। हां कैसा लगा? बहुत मस्त लगा। ठीक है तो भैया इधर दीजिए, ये देखिए ये चला गया मगर और मिला नहीं है। देखिए भाई मिलता है कि नहीं भाई, सब खत्म हो जाएगा भाई, जल्दी खाइए। बिल्कुल टेस्ट बताइए। बढ़िया रापचिक है, रापचिक है। भैया हमारा अंत में नंबर आया है, अब इसमें जो बचा है हम खा के बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। लेकिन भाई काफ़ी बचा है, क्वांटिटी तो बहुत है, इतना ही मिलना है। मतलब अलग लेवल का टेस्ट है, सच बताएं। मतलब अभी तक हम जो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन को ही समझते थे, लेकिन सच में बताएं ये बेकिंगो है, मतलब गेम चेंजर है। मतलब ये हमको पता है कि अदर जो और भी ब्रांडेड बेकरीज हैं उनको टक्कर देगा भाई, बहुत ही बढ़िया है। अल्टीमेट स्वाद जो है स्टार्ट किया जा रहा है। ये क्या है रितिक? चॉकलेट मूस केक है भाई। तो खाइए अंदर का भी दिखा देते हैं भाई। क्या आया? लबाबदार माल है, लबाबदार। ओ भैया ये देखो इनको अपने माल का याद आ गया भाई। चलो भाई रितिक जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालिए। हाँ रितिक कैसा लगा? बढ़िया। तुम्हें नहीं याद आया कुछ? नहीं, पूरी चॉकलेट है मैंने खाया हुआ, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डार्क चॉकलेट इसमें भाई। जल्दी कहो। कैसा रहा? बढ़िया है। ये भी मस्त है, बाकी पुराने वाले ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ चॉकलेट बहुत अच्छी है इसकी, क्या बात है। जल्दी खाइए, जल्दी खाइए भाई। तो अब पंडित जी जो है खा रहे हैं अगला। ठीक कैसा लगा? हाँ पंडित जी कैसा लगा? ये तो खून लग गया मुंह पे। मस्त है। ठीक है जल्दी खा के बताइए कैसा है। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसा है। उधर नहीं देखिए, आप खाइए। हाँ बताइए। अच्छा है सर, रेड वेलवेट का टेस्ट एकदम प्रॉपर है, ज़्यादा वॉश वॉश नहीं किया, अच्छा है। और भाई आप बताओ। बढ़िया। हाँ बढ़िया है। हाँ क्रीम का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, लाइट फ्लेवर रेड वेलवेट का, बढ़िया। अजय तो भाई अजय जो है रेड वेलवेट खाने जा रहे हैं। कैसा लगा? रेड वेलवेट पहले भी खाया है, खत्म हो जाएगी। नॉर्मल वैसे ही टेस्ट है, 10 में से 7 रेटिंग। अच्छा ठीक है। तुम्हारा भाई भरत? 7.5 रेटिंग। 7.5 भाई तुम खाओ जल्दी से। भाई जल्दी जल्दी खाते रहिए, क्योंकि है कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, उनका सबका रिव्यू करना है। ठीक है क्या हुआ? मस्त है सर, मस्त है, डिफरेंट टेस्ट है, मस्त। अच्छा कौन मस्त है? अच्छा ये, अच्छा तो भाई जो हम जा रहे हैं बचा कुचा जो है रेड वेलवेट खाने जा रहे हैं, और हम बताते हैं कि कैसा है। नहीं भाई अच्छा है, ऐसा रेड वेलवेट में ऐसे मेरे को ख़राब लगता था कि क्या लाल लाल, लेकिन ये जो है लाल होने के बाद भी अच्छा है। देखिए हम दूसरा स्पून खा रहे हैं, बहुत गर्दी लाल। मज़ा है भाई, मज़ा है सर। लैंडस्केप कोई बनाओ हर चीज़। अच्छा ये भी नहीं खाया भाई, ये बच गया था, सब लोगों ने बोला इसको अभी आप भी खाइए, तो थोड़ा थोड़ा खा के भाई पेट निकल के रहेगा मेरा।
ठीक है, लेकिन वो दोनों बेटर थे, ये उतना ज्यादा मीठा लग रहा है। तो भैया ये जो है गुरप्रीत हमारे आ गए, अपना जो है पूरा बिजनेस छोड़ के आए हैं यहाँ पे। बेकिंगो जो है बेकरी, हम लोग जो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, तो कोई उनको ये टेस्ट करके देखना है और इनका रिव्यू भी बताना है कि क्या कैसा लगा है। चीफ गेस्ट भी हमारे, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, इनको बुलाया गया है आज के लिए। तो भाई गुरप्रीत, इतना सारा आइटम देख के क्या लग रहा है तुम्हें? टेस्टी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। देख रहे हैं हम लोग इतना खा चुके हैं, आपके लिए इतना ही बचा है, तो बिल्कुल समय नहीं गंवाते हम लोग और स्टार्ट करते हैं। और इस बार जो है हम लोग ये कपकेक खाते हैं, तो भाई कपकेक ये खाइए, खा के देखिए कैसा लग रहा है। हाँ टेस्टी भाई, गुरप्रीत ने पास कर दिया है। अगर 10 में से नंबर देना हो कितना देंगे? 9 दे देंगे। ओ भाई ये देखो, ये देखो, चोरी हो गई भाई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, ये देखो। चलो भाई कपकेक उठाओ, ये उठाओ, ये कौन सा है? ये देखिए, ये ब्लूबेरी है भाई, खा के देखिए। ब्लूबेरी कप टेस्ट, कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया है, सही है, इसका बेस भी बढ़िया है। तो भाई अजय के पास जाते हैं, अजय देखिए छुपा छुपा के खा रहे थे भाई। अजय अजय अभी खाना स्टार्ट किया आपने, तो भाई कैसा लगा अजय? अभी खाया नहीं। हाँ तो खा के बताइए। सर कैसे खा लीजिए, कैसा लगा अजय? बढ़िया टेस्ट, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, ओ भाई ये दो ऋत्विक जो हैं, ऋत्विक जो है होशियार निकले, इन्होंने पूरा अपना निकाल लिया और एक ही बार मुंह में डालेंगे ये। नहीं क्या? अरे खा के दिखाओ, खा के दिखाओ भाई। अरे नहीं नहीं भाई जाएगा। अब ये देखिए खा के दिखाएंगे, पूरा पूरा खाना है आपको। ओ भाई ये देख रहे भाई साहब, इतना अच्छा लगा एक ही बार में पूरा खा गए। ये भी चलिए, आपको भी पूरा खाना है, ये देख रहे हैं। ओ इनका तो बहुत बड़ा मुंह है भाई, खाओ। हाँ कुछ बता रहे थे तुम, सारी चीजें सेम ही है सर, एक तरह से देखा जाए तो टेस्ट में। तुम्हें क्या लगा? मस्त है, बढ़िया है। ये देखिए कप केक है, रेड वेलवेट बोलिएगा भाई, देखने में तो एकदम लजीज लग रहा है, खा के देखते हैं। मुंह में जाने यार, मजेदार है। और फोन लो, इतना मीठा होने के बाद भी हम खा रहे हैं और इसका मतलब टेस्ट जो है काफी अच्छा है। भाई रात का खाना नहीं खा पाएंगे, हमसे बता रहे हैं। अब बारी है स्वीट पाइनएप्पल की, काटते हुए माल। ओ भैया तो माल कटेगा तो सब में बटेगा। तीन फ्लोर का है ये दुकान, क्या होता? अच्छा ट्रेनिंग क्या हो सकता है? ये देख रहे भाई हफ्सी की तरह खा रहे हैं बिल्कुल। बढ़िया फ्लेवर है दोस्तों, थोड़ा सा बेस हल्का सा लाइट हार्ड है, और तो हार्ड होना भी तो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत हर चीज हार्ड नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, कुछ सॉफ्ट होने चाहिए। नहीं भी नहीं है। तो भाई ऋतिक जो है ढूंढ रहे हैं कि क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, क्या खाया नहीं जाए, कैसे खाया जाए। तो भाई खाओ जल्दी ऋतिक, ऋतिक भाई खाने जा रहे हैं। कैसा लगा? बढ़िया है, जिसको कम मीठा पसंद है वो खा सकता है। तब तो भाई अजय खाए। अरे वो छोड़ो। कैसा लगा? हाँ भाई बढ़िया बढ़िया है। क्या खा रहे थे? पाइनएप्पल था शायद, पाइनएप्पल ही है। चलो भाई तो गुरप्रीत ये खाओ किटकैट। ओ भाई ये देख रहे पूरा सिंगल जो है ब्राउनी किटकैट है, ये देख रहे। अब ये गुरप्रीत खाएंगे भाई। चलो भाई गुरप्रीत। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या पूछे, किटकैट का ही स्वाद आ रहा होगा। अरे हाथ उठा के खा लो। कैसा लगा? ओ भाई मतलब हार्ड है कि ऐसे लाइट? बढ़िया। चलो भाई तुम देख रहे हो तब से? नहीं नहीं ठीक है, वो भी किटकैट ही है, आप खाओ भाई।
जल्दी खाइए भाई। ये देखिए भाई पानी आ गया और नैपकिन भी ढेर सारा लेके आए हैं। ये देखिए किससे मांग रहे थे? अरे सर वो कैसा लगा? बढ़िया है भाई। गुरप्रीत ये और ये दो बच्चे हैं, उनको ट्राई किया जाए। अरे भरत उठाओ ट्राई करो। ये देखिए भाई जूस भी जार वाला तो गजब था। क्या बता रहे हो? देख रहा था। क्या देख रहे हो? ये सब जो हम लोग ने केक ऑर्डर किया था। हाँ अच्छा ना भाई खाइए। कैसा लगा भरत? ठीक है सर, मतलब ओके है। मतलब ये उतना सही नहीं है, बस देखने में अच्छा लगा। सरकारी है ना सर। तो भाई तुम कुछ खा नहीं रहे हो? सर पंडित जी बस पनिया पी रहे हैं। खाओ भाई खा के बताओ। ये खाओ पंडित। हाँ ये क्या है रहते? ये बटर स्कॉच है सर। ये बटर स्कॉच है। मैंगो फ्लेवर है। नहीं बटर स्कॉच है पर वो नहीं। भाई जल्दी खाइए, खा के बताइए कैसा लग रहा है। पंडित जी कहे थे जितना फ्लेवर फुलाया थे आज खा लिए। ओ भाई चम्मच से काट रहे, चम्मच तो दूर चला गया। पूरा खाइए पूरा पूरा पूरा। हाँ ये बात। तो पंडित जी कैसा लगा आपको? मस्त है सर, मैंगो का फ्लेवर आ रहा है। मस्त है मैंगो का फ्लेवर आ रहा है। अभी भैया बटर स्कॉच था ये देख रहे, इसका मतलब ये इतना खो गए हैं, मतलब इतना स्वाद अच्छा है तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ तुम्हारा भाई? सर मुझे बहुत समझ में नहीं आया। अच्छा मतलब ठीक है, सबकी पसंद अपनी अपनी लगे, जिसको चॉकलेट ही पसंद उसके लिए वो ये देखिए ये चीज उठा रहे हैं। बिल्कुल खाइए, ज़्यादा लोग खाएंगे तो भी तो पता चलेगा कि कैसा लगा, रिव्यू तभी सही है। केक तो नहीं हो गया रात वाला? देख रहे हैं गुरप्रीत को कितने सलीके तरीके से काट रहे हैं, खा रहे हैं मतलब है। और यही बगल में कुछ लोग और हैं तो मतलब हाथ में ये देखिए पूरा हाथ में उठा के खा ले। तो गुरप्रीत कैसा लगा ये आपको? हाँ क्या बात है, तब तो ये देखिए। तो कैसा लगा तुम्हें भाई? ये और हाथ कड़कनाथ कड़कनाथ है। ऋतिक क्या है भैया? ये ब्राउनी है सर। नहीं नहीं ये क्या है? ये वॉलनट पेस्ट्री है सर। वॉलनट तो ये वॉलनट डालना भूल गए लोग शायद। हाँ क्या बता रहे हैं? एक लोग वॉलनट डालना भूल गए, बट ये वॉलनट पेस्ट्री है। अच्छा तो कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि हम टैग करेंगे तो लोग भी देखेंगे? अभी जरा इनसे हम रिव्यू लेंगे सर कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमारी एक पेस्ट्री भी गायब है। अच्छा अच्छा ये देखिए चोर आया भाई, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। नहीं ये अलग है, ठीक है तो भाई हम भी खाते हैं अब। और भाई बढ़िया है, हमने बेस ऊपर लगा दिया, देख रहे हैं ये लोग जो है पूरा खाए पड़े भाई। हम सरकार से बेस ऊपर लगा दिया, रिकॉर्डिंग ही करते रह गए। देख रहे कैसे कैसे लोग टूटे पड़े हैं। वॉलनट पेस्ट्री जो है ऋतिक जो है ट्राई कर रहे हैं और बताएंगे कैसा लगेगा। इसमें वॉलनट नहीं है, बाकी पूरी चॉकलेट पेस्ट्री। भैया पूरा खा गए हैं भरत, और भरत कह रहे थे कि सर हमको जो है पेट कम करना है, वेट कम करना है, लेकिन लग नहीं रहा है। देख रहे इतना सब जो है मटेरियल खत्म हो चुका है और इतना सिर्फ बचा हुआ है। ये पंडित जी तो लग रहा है भैया बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। ये देखो हमारे जो गोवा से आए, गोवा से गुलाबी माल खाने। दोस्तों जो हम लोग को मोटिवेट किए थे खाने के लिए, जो हम लोग इतना दूर चले आए, तो सर सत्ता सर हमारे सामने बैठे बचा कुचा माल खाते हुए। भैया देख रहे हैं ये सब देखिए खत्म कर दिए, ये भी देखिए खत्म कर दिए, ये भी देखिए कपके, ये इधर थोड़ा सा बच्चा हुआ, ये भी थोड़ा सा बच्चा है, ये भी सब थोड़ा सा बच्चा। देखिए भैया बच्चा हुआ माल खाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो हम यही बताएंगे कि भाई क्वालिटी या टेस्ट जो है A1 है। अभी तक हम मतलब अदर जो बेकरी है उन्हीं को समझते थे जो यहाँ की फेमस है लखनऊ के, हम नाम नहीं बताएंगे लेकिन हम ये कहेंगे जो यहाँ की फेमस है उनको ये जो है टक्कर दे रहा है भाई, अल्टीमेट है स्वाद जो है, अल्टीमेट है। तो भाई जो है हम फाइनल रिव्यू सबसे लेंगे, सब लोग बैठ जाएं कृपया।
और सबसे पहले भरत, तो ओवरऑल आपको कैसा लगा इसका टेस्ट? क्या था टेस्ट? बहुत अच्छा था, बस थोड़ी पैकिंग की कमी थी, बाकी ओवरऑल टेस्ट हर चीज़। अगर 10 में से पॉइंट देना हो तो कितना देंगे आप? 8.5। और भैया आप? 7.5। चॉकलेट मूस केक का जार सही था। और ये देखिए दो लोग आए हैं, कुछ हल्के होके आए हैं ताकि खाया जा सके। भाई तुम्हारा कैसा लगा? यार वो पैकेजिंग, स्पून और टिश्यू पेपर, ये बेसिक चीजें हैं, वो दे सकते थे। बाकी कुछ मतलब पेस्ट्री जो थी मतलब कोई हल्की फुल्की टाइट थी, पर बाकी ओवरऑल अच्छा था। यही बंदूक चला और रेड वेलवेट वाला बहुत अच्छा रहा। जो आपका ऋतिक तुम्हारा क्या रहा? रिव्यू तो ठीक है, पेस्ट्री टेस्ट वाइज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस वही पैकेजिंग है और टिश्यूज नहीं हम लोग को दिए गए। अगर 10 में से पॉइंट देना हो तो ओवरऑल 7 देंगे टेस्ट को, बाकी पैकेजिंग को सर थोड़ा सा कम देंगे, 5 देंगे अराउंड, क्योंकि पैकेजिंग बहुत अच्छी खास नहीं है इन्होंने की हुई है। तो भैया ये जो है हमारे जो सबसे अच्छा रिव्यू करते हैं अजय सर, देखिए क्रीम का जो टेस्ट है, मतलब पेस्ट्री का टेस्ट सब लगभग बराबर लग रहा था, और इतना मीठा हो गया है मुंह कि लगता है अपने बर्थडे में केक नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, कुछ नमकीन नहीं मंगा रहा। तो आप टेस्ट बताइए कैसा लगा? अगर जैसे अगर टेस्ट वाइज बात करूँ, मैंने और भी जो केक वगैरह खाते हैं हम लोग, उससे तो बढ़िया ही है, मतलब क्वालिटी मनी वाइज जो क्वालिटी है वो सही है। हाँ वो बढ़िया है सर, पैसा वसूल, केक वाले पैसा वसूल है। पैकेजिंग वगैरह थोड़ी सी वो थी, डैमेज थी, वो आने जाने में इधर उधर ले जाने में वो थोड़ी सी दब हो गई है। टेस्ट वाइज बढ़िया है सर, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा खा लिया है तो कुछ कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मतलब वीडियो चल रहा था, मुझे चॉकलेट वाला वो मेरा पर्सनली पसंद है, क्योंकि चॉकलेट मुझे खुद भी पसंद है। और बाकी जो पाइनएप्पल वाला था वो अच्छा था सर, वो मतलब हल्का था मीठा लेकिन बढ़िया था। तो भाई लास्ट में हमारे पंडित जी बताएंगे, पंडित जी कैसा लगा आपको? था सर, एक लार्ज अमाउंट में हम लोग मंगाए थे और इतना ज्यादा मीठा हो गया कि मीठे मीठा चलता रहा, बाकी टेस्ट सबका लाइन बाई लाइन हम लोग टेस्ट किए, बहुत बेहतरीन था। अगर 10 बजे पॉइंट देना रहे तो 10 में से टेस्ट का लगभग 8 पॉइंट मैं दूंगा, और पैकेजिंग थोड़ा और बेस्ट करना है, यदि कंपनी पैकेजिंग और बेस्ट करे तो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। हम लोग खा नहीं पाए तो एक सड़क से बच्चा खा के लाए हैं, ठीक है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा। सर के चैनल को फॉलो करिए, देखिए कितने गरीब लोगों की कितनी सहायता करते हैं सर। बिल्कुल, हम ऐसे गरीब बच्चों को खाना खिला के दर्शन रावल जैसे दिखता भी है। दर्शन रावल ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, देखो क्योंकि होता क्या ना, चीफ गेस्ट हमेशा जो है बाद में आते हैं। और तो सुनिएगा, चीफ गेस्ट है, तो भाई कैसा लग रहा है? मुफिन्स बढ़िया है, बढ़िया है, तो और भी फ्लेवर है, थोड़ा थोड़ा सबको खा के देंगे। भगवान आप पे सत्ता, तोड़ तोड़ के खाओ, तोड़ तोड़ के खाओ, ताकि मतलब और भी लोग खा सकें, ऐसे नहीं करो, उसको बाहर निकाल देना, उसको बाहर निकाल। भगवान आप पे सत्ता ब्लॉक की कृपा बना रखे, तुमने जितने फ्लेवर मेडिकल स्टोर पे सुने थे सब खाने तुमको मिलेगा, देख रहे भाई, बढ़िया। कोई जल्दी नहीं, आराम से खाओ, खत्म करना हम नहीं कर रहे। ये भी रेड वेलवेट भी ट्राई करना, ये भी काफी अच्छा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट। तो भाई ये जो है हमारे चीफ गेस्ट है रह गए थे, और इतना ज्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो अब आए किसी एक शालीमार के किसी के उसको लेके आए हैं, उसी ने रास्ता बताया था सर। अच्छा, रास्ता भूल गए थे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर पे। अच्छा, यहाँ का कोई स्टाफ मिल गया था, उसी को बैठा के लिए आए थे। चलो भाई बढ़िया है, मतलब आपने अच्छा काम किया। चलो भाई इसी साथ वीडियो जो है, एक अगर रिव्यू देना हो आपने, क्योंकि खा लिया है 3-4, अगर 10 में से पॉइंट देना हो तो कितना पॉइंट देंगे? 10 में से मैं देना चाहूँगा 7 पॉइंट्स। और अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी, और छोटे मोटे ओकेजन्स के लिए या किसी को गिफ्ट देना हो अगर आपको केक के लिए, तो मुझे बेस्ट लगा। और ये ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इतना माल इतना ज्यादा था कि भर दिए, बचा कुछ है। अच्छा क्या बचा है देखा जाए, भाई कुछ बचा हुआ है तो वो देखा जाए क्या है। ये देखिए सिर्फ इतना मटेरियल हम लोग ने मंगाया था, सिर्फ इतना ही बचा है, और वो कौन है पर्सन जो लेके जा रहा है? खुश नसीब पंडित जी है भाई, लेकिन कुछ पड़े ऐसे हमारे कमरे में, मैं सब अच्छा नहीं, बिल्कुल 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 सही है भाई, और बिल्कुल उनका क्या है छोटा छोटा वीडियो भी दे दीजिएगा कि भाई कैसा टेस्ट लगा उनका। आश्रम करके जो है सिंगल है बेचारे। चलो भाई ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो है वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। टाटा बाय बाय, गुरप्रीत बाय बाय, पंडित जी बाय बाय, राम राम, राम राम, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग तब तक के लिए बाय बाय। देखो भैया ये जो है
रौनक जो है खा के पड़ गए। ये देख रहे गंदगी क्या मचाया भाई इन लोगों ने, पूरा गंदा मचा दिया है। और उधर देखे पीठ अकेले सब पूरा अकेले है। और पीठ उधर कर लिया कि भैया हमको इधर से मतलब ही नहीं, इधर तुम बैठे ही नहीं थे, इधर देख नहीं सकते है, देख रहे हैं इतना नेम सुख प्राप्ति हो गई है। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।